नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के लेकर जारी नए दिशा निर्देश के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से धीरे धीरे अपडेट आने शुरू हो गए हैं। इधर गाँव में उम्मीदवार भी अपने वोट के लिए जनता के दरवाजे तक पहुँचना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर गाँव में उम्मीदवार से लेकर मतदाता दोनों के बीच में इस बात का इंतजार है कि चुनाव कब होगा। हालांकि चुनाव से इस साल के शुरुआती महीने में होना था, लेकिन कोरोना और फिर बाद में बाढ़ के कहर के कारण चुनाव तय समय पर नहीं हो पाया। ऐसे में अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो चुनाव को लेकर एक बार फिर से अपडेट आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार अगस्त से नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव कराने की सारी संभावनाओं में जुटा हुआ है। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में आयोग ने तय किया है कि प्रस्तावित पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के प्रत्याशियों के लिए मतदाता सूची में नाम होना ही सब कुछ नहीं होगा। चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रत्याशी को उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते। इसी तरह से पंच और वार्ड चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रत्याशी होने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रत्याशी को नामांकन का शपथ पत्र पूर्ण रूप से भर कर देना होगा। साथ ही नामांकन दाखिल करते के समय नामांकन शुल्क रसीद में दाखिल करना होगा। आयोग के निर्देश के अनुसार पंच और वार्ड सदस्य के पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के संबंधित पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। संबंधित प्रखंड के किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद की सीटों के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा। इसी तरह से सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए संबंधित प्रखंड का मतदाता होना जरूरी है। पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। आयोग ने इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भी अलग अलग दाखिल करना होगा। इसके अलावा सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन प्रत्याशियों को जमा करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 5 पद के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। जिन पदों के लिए नामांकन होगा उसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच पद शामिल हैं। इसी तरह से संबंधित जिला परिषद की सीटों के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। तो ये थे पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।